हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी और आप सभी लोग देख रहे हो वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अन एकेडमी का। चलते हैं हम लोग सेशन की तरफ, बढ़ते हैं और इस सेशन में हम लोग अपना जो भी रूटीन होता है हमारा, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस दोनों ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ और सीधा सीधा चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने अपने वहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जो है स्क्रैप किया है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। ऑप्शन में आपके सामने है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ठीक है, इसमें से क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। ओके, आंसर करना, जो भी लोग देख रहे हो ना सभी लोग आंसर करना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को किसने स्क्रैप किया है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि किसने इसको स्क्रैप किया है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा केरल। केरल जो है इसने जो है कहा है इसको समाप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा है और इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए इस चीज को रखा है कि कहीं ना कहीं वो खंडित हो रहा है, इन्होंने ऐसी बात कही थी। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा कि अपने वहां पर जो है समाप्त करने के लिए बिल पास करने वाला केरल बना है और उत्तर प्रदेश पहला जो है इम्प्लीमेंट करने वाला बना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने क्या बिल पास करी है? ये चाहते थे इनके वहां पे 3 कैपिटल्स हो, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ऐसा होने नहीं दिया, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व करने के लिए बिल पास किया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की बात होगी। फिलहाल में हमारे देश में 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जिसमें से एक आंध्र प्रदेश भी है फिलहाल है, लेकिन बिल पास किया गया है कि उसको समाप्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रदेशों की बात होगी जो हमने कर ली। ओके, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सी संस्था ने पार्टनरशिप किया है थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के साथ में ताकि ज्यादा टूरिस्ट जो है भारत से वहां पे अट्रैक्ट हो सके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा इंक, पेपाल या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, किसने पार्टनरशिप की है? पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मास्टर वीजा जो हो गया ये दोनों आपका पेमेंट गेटवे होता है। ठीक है, ये दोनों आपका क्या होता है? पेमेंट गेटवे, ध्यान रखिएगा। अब ये साइन करने वाला जो है कौन सा बना है संस्था? ये संस्था है आपकी मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी के साथ में मिलकर के पैक्ट साइन किया है कि ये दोनों आपस में मिलके और ज्यादा टूरिस्ट जो है इंडिया के उन्हें अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही साथ में डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा देने की बात करी जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी फर्म ने पार्टनरशिप किया है अग्नि, अग्नि का फुल फॉर्म देखिएगा, एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ इंडियाज न्यू इंडियाज इनोवेशन, इसके लिए कौन से फर्म ने पार्टनरशिप किया ताकि सपोर्ट किया जा सके डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये आप सभी का आज का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग करना क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे 2-3 बार और डिस्कस की हूँ। मैंने आपसे जब भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया तब मैं आपसे कही हूँ कि अग्नि का फुल फॉर्म आप सभी को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग बता देना, ये आसान से वाले बच्चों नहीं आता है कॉमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, लेकिन आसान है। मेरी ग्रुप है टेलीग्राम पे जहाँ पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, ग्रुप का नाम है GSEY सुष्मिता मैम। ठीक है, तो इस ग्रुप पे आप लोग चाहो मुझसे आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये टेलीग्राम की ग्रुप है, यहाँ आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए जो मेरी आईडी है ये है sushmita.tripathi। ठीक है, यहाँ भी आप लोग चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने हाल फिलहाल में अपने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर एस्टैब्लिश की है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरल। किसने? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे अपनी एस्टैब्लिश की है, क्या आंसर होगा? देखो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, खादी विलेज इंडस्ट्री की 3 पॉइंट जो है हर बार हम लोग रिवीजन करते हैं। सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन्होंने कहां पे किया है? गुजरात में किया है। ठीक है, एक बेहतरीन तरीके का प्लांट होगा सिल्क प्रोसेसिंग के लिए। इसके अलावा खादी विलेज इंडस्ट्रीज ने टेराकोटा ग्राइंडर कहां पर एस्टैब्लिश किया था? इन्होंने टेराकोटा ग्राइंडर जो है ये वाराणसी में किया था और टेराकोटा ग्राइंडर जो है इसके जो डिजाइनर थे, इसके डिजाइनर हैं वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने हर बार ये भी पढ़ा है कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज ने टाइटन के साथ में पैक्ट भी साइन करी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बुक फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा,
इसका थीम क्या था, वर्ल्ड बुक फेयर का थीम क्या था? आंसर करना सभी लोग। देखो अब आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर का आपका जो है थीम क्या था, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गांधी द राइटर्स राइटर। ठीक है, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल बुक ट्रस्ट ने। ठीक है, इसके अलावा जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2022 में जो वर्ल्ड बुक फेयर होना है उसमें फ्रांस हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब? 2022 में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, 2022 में फ्रांस जो है ये हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर होगा, जो 2022 में आपका वर्ल्ड बुक फेयर होगा। क्वेश्चन शायद ही पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, नई दिल्ली में। एक ये क्वेश्चन बन सकता था कि इसका थीम क्या था, थीम क्या है, गांधी द राइटर्स राइटर, ये थीम है। ओके, ये भी याद रखना। फिर देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन को जो है स्क्रैप कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंट्री जो है रिसेंटली छठी सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर भारत की बनी है, कुवैत को पीछे करते हुए? यूएस, नाइजेरिया, वेनेजुएला, यूएई या फिर कुछ भी नहीं, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी कंट्री है जो कि छठी सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर बनी है इंडिया की, कुवैत को पीछे करते हुए? सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर जो होता है वो होता है इराक, बीच में इराक को पीछे करते हुए, और सऊदी बना था लेकिन अभी हाल फिलहाल में इराक ही है। अब छठा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर जो हमारे देश का बना है वो यूएस था, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर छठे नंबर का बना था और इसने किसको पीछे कर दिया था, कुवैत को अपने वहां पर पीछे कर दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, अलग कह सकते हो आप लोग, कुछ डिफरेंट करके आप लोगों से इसके बारे में पूछा जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट रूप कर करके। ठीक है, एनीवे, हाँ, और जो भी लोग देख रहे हो एक एक बार सभी लोग शेयर भी कर दो, जितने भी लोग देख रहे हो ना एक एक बार इसको शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी जुड़ सके। आप इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ाओ और तुम लोग कुछ शेयर वेयर भी नहीं करते हो तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, चलो खैर, अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री का पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है जिसने अग्री किया है कि वो $225 मिलियन इन्वेस्ट करेगा इंडिया रिसर्जेंस फंड प्लेटफॉर्म में, यूएस, फ्रांस, कनाडा, रशिया या फिर कुछ भी नहीं, क्या आंसर होगा? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, कौन सी कंट्री का पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जो है अग्री किया है कि इतने रुपए वो इन्वेस्ट करेगा हमारे वहां पर? ये हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, CNIPS करके हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये इसका सही आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा का जो पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, इसने अग्री किया है कि ये इन्वेस्ट करेगा 225 मिलियन इंडिया के रिसर्जेंस फंड प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। न्यूज हमारी दिसंबर की है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आपको भी पता है कि थोड़ा पीछे से भी पूछ लेता है और करीब के भी पूछता है, तो करीब के लिए हम लोगों ने हर सेशन में फेब का न्यूज तो कर ही रखा है, अभी हम लोग दिसंबर का भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा शेयर मारते चलो यार, जितने भी लोग देख रहे हो ना शेयर करते चलो। अगला देखो, 2020 का यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर होगा, स्वीडन, पुर्तगाल, जर्मनी, मॉरिशियस या इंडिया? 2020 का यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर होगा? सही आंसर क्या है बच्चों? सही आंसर है स्वीडन, ये आपका स्वीडन में होगा। अब याद रखना 2020 का ही आपसे पूछ रहे हैं तो और याद रखना, 2020 में जो आपका SCO का मीटिंग हो रहा है, मिनिस्ट्रियल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां हो रहा है? ये आपका इंडिया में हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों से, हो सकता है। 2022 में क्या क्या होगा हमारे वहां पे? G20 होगा और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंटरपोल, इंटरपोल भी हमारे देश में होगा 2022 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि 2022 में हमारी 75वीं वर्षगांठ पूरी हो रही है स्वतंत्रता दिवस की, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इवेंट्स आपके होने वाले हैं 2020 में, अभी फिलहाल ही होने वाला है। 2020 का एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है ब्रिक्स का, हो सकता है पूछ लिया जाए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये आपका 2020 में रशिया में होना है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि
कौन सा बैंक पहला विश्व का सेंट्रल बैंक बना है जो कि टेस्टिंग करना शुरू किया है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ई क्रोना की? फेडरल रिजर्व, यूरोपियन यूनियन बैंक, आरबीआई, स्वेरेजिस रिक्स बैंक या फिर कोई भी नहीं, ठीक है? अपनी खुद की डिजिटल करेंसी ई क्रोना कौन टेस्ट करने वाला है? फेडरल रिजर्व, यूरोपियन यूनियन, आरबीआई, स्वेरेजिस रिक्स बैंक या फिर कुछ भी नहीं? आंसर क्या होगा? जो भी देख रहे हो आंसर करते चलना, आंसर बताते चलो। अच्छा, फेडरल रिजर्व कहाँ का है? यूएसए का है। हेड कौन है? जेरेमी पॉवेल, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का बैंक ये होता है। फिर आरबीआई की हम लोग बात कर लें, आरबीआई हमारे इंडिया का है, इसके हेड कौन है? शक्तिकांत दास जी। स्वेरेजिस कहाँ का है? ये आपका स्वीडन का है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है आपके स्टीफन एंस, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है, पूछ ली जाए। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वेरेजिस रिक्स बैंक, ठीक है। क्या होगा? स्वेरेजिस रिक्स बैंक। ये क्वेश्चन पूछेगा, जरूर से ही पूछना चाहिए जहां तक लग रहा है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन क्या है, बनाएगा ही बनाएगा आपसे एग्जाम में। अब क्या क्या बनाया जा सकता है? एक तो ये कि ये कहां पर है, एक तो ये इसके हेड कौन है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में बनाने ही बनाने हैं। तो ये आपका स्वीडन का है, इसको ध्यान रखना। इन्होंने अपना खुद का जो है ना टेस्ट करना शुरू कर दिया डिजिटल करेंसी, जिसका नाम है ई क्रोना। इस तरह से पिछले साल लर्निंग कॉइन पिछले साल जो है ना वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लॉन्च किया था अपना खुद का, ताकि उनके जितने भी इंप्लॉयज हैं वो आपस में यूज करें और डिजिटल करेंसी को समझ सके। उसी तरह से अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला स्वेरेजिस रिक्स बैंक है, जिसके गवर्नर स्टीफन एंस है और जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। इन्होंने लॉन्च करा है, क्या नाम है? ई क्रोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है डीआईसीजीसी किसकी एक सहायक कंपनी है, किसकी एक सब्सिडियरी है? डीआईसीजीसी की बात हो रही है, बताइएगा सभी लोग। देखो डीआईसीजीसी क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपका हो गया डीआईसीजीसी। ये स्थित कहां पर है? मुंबई में, और चेयरपर्सन इसके बीपी कानूनगो जी हैं, ठीक है। अब ये किसका एक सब्सिडियरी है? आरबीआई का। इसका काम क्या होता है? जो हमारा बैंक अकाउंट है ना उसमें जो भी पैसे हैं उसकी इंश्योरेंस करता है डीआईसीजीसी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये उसकी इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उनकी इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नैपकॉन में कौन से क्या होता है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है। नैपकॉन पहले क्या है? नैपकॉन जो है ये नाबार्ड की एक सब्सिडियरी होती है, ठीक है। ये नाबार्ड की एक सब्सिडियरी है, ओके। और नैपकॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। चलो, तो नैपकॉन में कौन से क्या होता होगा? ऑब्वियसली दिस इज कंसल्टेंसी। अगला क्वेश्चन देखो, 74th सेशन यूएन जनरल असेंबली का कहां पर हुआ है? यूएसए, यूके, इंडिया, नॉर्वे या फिर कुछ भी नहीं? यूएन जनरल असेंबली का 74th सेशन कहां पर हुआ है? ये आपका यूएसए न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है। और 75th भी जो 2020 का है वो यहीं पर ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट बैंक की कमेटी का क्या नाम था? पेमेंट बैंक की कमेटी का क्या नाम था? नचिकेत मोर, उषा थोरत, शिवरमन, नरसिम्हन या फिर कुछ भी नहीं? क्या आंसर होगा? देखो, जब हम लोग नरसिम्हन बोलते हैं तो ये बैंकिंग रिफॉर्म्स में आता है, बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है। जब हम लोग शिवरमन बोलते हैं, बी शिवरमन, तो ये नाबार्ड के लिए था। जब हम लोग उषा थोरत बोलते हैं तो ये स्मॉल फाइनेंस के लिए आता है, ठीक है। और फिर आ गया नचिकेत मोर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नचिकेत मोर। कोई भी अगर पेमेंट बैंक खोलना चाहता है तो मिनिमम कैपिटल क्या होना चाहिए? 100 करोड़। पेमेंट बैंक कभी भी लोन या एडवांस नहीं देंगे, याद रखना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये लोग टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी आरडी भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलो,
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिडबी के कितने सब्सिडियरीज हैं, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सिडबी के कितने ज्यादा आपके सब्सिडियरीज होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, सभी लोग जो है बताओगे कितनी इसकी सब्सिडियरीज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिडबी के बारे में होपफुली आप लोगों को पता होगा, सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये क्या होता है, जो भी छोटी मोटी संस्थाएं हमारे देश में उनको डेवलप करने के लिए एक तरीके की संस्था होती है, ठीक है। चलो अब आप लोग को जो है इस सेशन में तो आप लोगों ने देख ही लिया, इसके अलावा जो है हम लोग अन अकेडमी पे भी क्लास ले रहे हैं, जहाँ पे अभी हमारी 3 क्लासेस चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास तो आप हमारी आप लोग जान ही रहो कौन सी हो रही है। मंथली एनालिसिस करंट अफेयर्स की चलती है 12 से 1 के बीच में अन अकेडमी पर, ठीक है। 11 मार्च से चल रही है 27 मार्च तक, फिर नया बैच आएगा। इसके अलावा एक आपका बैंकिंग अवेयरनेस का चल रहा है 2 बजे से 3 बजे तक, और एक आपका चल रहा है करंट अफेयर्स का एमसीक्यू 10 से 11 के बीच में। तो ये 3 क्लासेस हैं जो हमारी अन अकेडमी पर चल रही हैं फिलहाल में, और आप लोग चाहो तो इसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप लोग मुझसे, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने 30 मिनट्स का कर लिया, इसके अलावा फिर आप लोग जब 3 आवर्स और कर लोगे तो खुद सोचो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। अभी जो भी एग्जाम आ रहा है आरबीआई एसबीआई सारे ही एग्जाम में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते रहोगे ना तब जाके इजिली क्रैक कर सकते हो। उसके लिए आप लोग अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो, बिकॉज 30 मिनट्स बहुत ही कम है, और आपको भी पता है कि जीए अगर हो गया तो आपका क्लर्क मेंस होते ही आप लोग तुरंत क्वालिफाई कर लोगे। जैसे ही आप लोगों का इधर इंटरव्यू आएगा तब भी यही आना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसका रोल है हर जगह अपने आप को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। अगर आप बैंक के अंदर जाना चाहते हो, जीए को स्ट्रांग करोगे ना, सबसे आसानी से आप लोग जो है बैंक का एक कर्मचारी बन सकते हो। अगर आप लोग अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो, आपको आपने देख ली कितनी क्लासेस हैं, अगर आप लोग चाहते हो मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है। जब आपने ये लिखा उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करके ओपन करोगे और अपने गोल में बैंक एग्जाम्स को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। बैंक एग्जाम्स आपने सिलेक्ट किए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे। जब आप सब्सक्रिप्शन पे गए हो तो फिर आपसे पूछेगा कितने महीने का चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स हमें सामने सामने दिख रहे हैं, गो फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बार बार जब पैसे लगाओगे तो वो ज्यादा होगा। एक बार में भले आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन ईजी है, ठीक है। आप सोचो अगर 1000 वाला 1200 का है जो आपको 1000 में पड़ेगा, अगर इसे 12 बार दोगे तो ये 12000 लग जाएगा, ठीक है। अगर इसे आप बार बार देते हो 3000 4 महीने लगातार आप दोगे तो ये भी आपका लगभग 9000 पड़ जाएगा डिस्काउंट के बाद। ये अगर आप देते हो तो आपका डिस्काउंट के बाद लगभग पड़ जाता है 4400, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल वाला ले लेते हो तो डिस्काउंट के बाद आपका 5400 होता है। अब महीने का फर्क देखो और कॉस्ट देखो, बहुत ही कम हो जाएगा, ओके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आइदर गो फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर, ये आपके ही फायदे की हो जाएगी कह सकते हो। जब आपने अपना प्लान ले लिया तो आपसे पूछता है क्या कोई कोड है, कोड आपको क्या लगाना होगा, सुष्मिता 10, याद रखना सुष्मिता 10 आपका कोड रहेगा। जैसे आपने ये लगाया जो भी फीस थी उससे आपकी 10% ऑफ कर दी जाएगी। जैसे आप चाह रहे हो वैसे पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हो, और ये नंबर इस पे कॉल करके आप लोग क्वेरी कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है। तो अगर जो हम लोग इतने सारे एफर्ट्स ले लेंगे ना कि हमने अपने एंड से जो है YouTube भी कर लिया, वाईफाई स्टडी पे तो देख ही रहे, अन अकेडमी पे भी आ गए, हर जगह हो यार, हर जगह आप फॉलो करो। और आपको पता है मैं हर बार कहती हूँ जीए का जो वेटेज होता है ना वो 0.25% तो अकेला संभालता है ये। अगर इसमें से आपको पता है कट ऑफ कितनी होती है, 30% के अप्रॉक्स होती है। अगर 0.25% में से आप 0.20% जीए कर ले गए और बाकी में से क्या आप इतना नहीं कर लोगे, फिर आप आराम से इन हो, समझे। इसलिए अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, फिर मैं कहूँ 1/4 जीए आपका संभाल लेता है, और जीए के अंदर अगर आप 90% आप कर लिए ना तो क्या ही है, ओके। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंडिया लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।